दोस्तों कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, बादल एजुकेशनल ग्रुप पर। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए, छोटी से छोटी अपडेट आए तो आप तक जरूर पहुँचे। क्योंकि दोस्तों ये बादल एजुकेशनल ग्रुप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है और हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाती है। दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है, सबसे गुड न्यूज़ समझ सकते हैं आप, बहुत बड़ी। क्योंकि दोस्तों आपके जो ANM और GNM के जो फॉर्म है वो रिलीज होना स्टार्ट हो गए हैं। हाँ जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आपके आज ANM के फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं राष्ट्र स्वास्थ्य द्वारा। तो सभी स्टूडेंटों के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे जो GNM और ANM के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक आएंगे। तो दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है बिल्कुल दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको नोटिफिकेशन चेक करा देते हैं एक बार, और जो भी हमने नोटिफिकेशन देते हैं बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन देते हैं हम आपको, पहले भी एक वीडियो में बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो है वो आ चुके हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर देखोगे संक्षिप्त विज्ञप्ति, ठीक है ना। विज्ञप्ति में देखोगे आप तो यहाँ पर दे रखा है सत्र 2022-23 में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति बाबत। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण, यानी जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण किसको बोलते हैं, ANM की जो ANM वालों को बोलते हैं, ठीक है ना, ANM वालों को बोलते हैं। तो इसका मतलब है आपके जो ANM के फॉर्म है वो रिलीज हो चुके हैं दोस्तों, और जो सारा क्राइटेरिया है वो बताएंगे हम इसमें आपको कि क्या क्या प्रोसीजर है। तो एक बार इसको हम आपको डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो आपका राज्य ANM द्वारा, राज्य स्वास्थ्य द्वारा जो डाला गया है, राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिसर परिवार कल्याण सेवा राजस्थान जयपुर के द्वारा ये डाला गया है, और ये नोटिफिकेशन आज ही डाला गया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये, जो आप देख सकते हो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यहाँ पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2022-23। तो यानी कहने का मतलब ये, आपके जो ANM के फॉर्म है वो रिलीज हो चुके हैं प्यारे दोस्तों, ANM के आपके जो फॉर्म है वो रिलीज हो चुके हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, उपयुक्त विषय अंतर्गत इस निदेशालय की विज्ञप्ति क्रमांक प्रशिक्षण 2022-23। तो यहाँ पर दिनांक 19/9/2022 की 10 प्रतियाँ संकलन के अनुरोध है कि इसको राज्य में सभी प्रमुख समाचार पत्रों पर प्रकाशित करने का श्रम करें। तो यानी कहने का मतलब इसका ये है कि जो आपकी जो विज्ञप्ति है वो डाल दी गई है, और राजस्थान में जो राज्य इसमें सभी समाचार प्रमुख जो हैं उन पत्रों पर क्या है प्रकाशित करें, या न्यूज़ में निकालें कि ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो ये आपका जो थोड़ा सा क्राइटेरिया है, और नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें जो भी बने रहे अब यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको इस प्रकार से, ठीक है ना। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2022-23 हेतु, तो यहाँ पर ये विज्ञप्ति है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा इस निदेशालय के अधीन संचालित राज्य के प्रशिक्षण केंद्रों पर सत्र 2022-23 के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए, तो यहाँ पर दे रखा है प्रवेश के लिए 21/7/2022 से दिनांक 20/10/2022, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है आपका 21 सितंबर से लेकर के और 20 अक्टूबर तक, यानी 29 दिन का टाइम रहेगा आपके पास में। अभी तो टेंशन ना लो आप, 29 दिन का टाइम रहेगा, यानी एक महीने का टाइम रहेगा। इसमें आप फॉर्म फिल करोगे और बहुत सारा प्रोसीजर हम बताएँ किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है, किस प्रकार से क्या करना है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी स्टूडेंटों के लिए। तो ये आप देख सकते हो 20 अक्टूबर तक आप शाम मतलब 6 बजे तक आप क्या करवा सकते हो, आवेदन पत्र भर सकते हो, आमंत्रित कर सकते हो। नेक्स्ट है आवेदन पात्रता योग्यता की प्रमुख शर्तें नियमानुसार। तो जो भी शर्तें हैं पात्रता की किस प्रकार से, वो आपको सारी शर्तें मान्य होंगी, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। इसमें बात करते हैं फर्स्ट जो की पॉइंट, उसको पढ़ लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो यहाँ पर दे रखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर सीनियर सेकेंडरी परीक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों में इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य। तो कहने का मतलब ये, आप RBSC राजस्थान बोर्ड अजमेर से पास आउट होना जरूरी है सीनियर सेकेंडरी, जो आपकी क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट आयु की अगर बात करें यहाँ पर, आयु तो आयु दे रखी है आपकी 31/12/2022 तक, यानी 31/12/2022 तक मतलब 31 दिसंबर तक आपकी आयु है जो 17 साल होनी चाहिए, ठीक है ना। कम से कम 17 साल होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो साल होनी चाहिए अधिकतम वो होनी चाहिए आपकी 34 ईयर, ठीक है ना, 34, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग MBC के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष के नियमानुसार छूट दे। तो यानी 5% की जो छूट है अनुसूचित जनजाति और जो भी है पिछड़ा वर्ग है MBC वालों के लिए, ठीक है ना। और अगर बात करें यहाँ पर सीटों की, तो जो टोटल सीटें हैं वो है आपकी
चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं आरक्षण की। अगर यहाँ पर बात करें तो आरक्षण की एक बार बात कर लेते हैं, आरक्षण क्या रहेगा इसमें। तो आरक्षण की बात करते हैं, इसमें अन्य पिछड़ा जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 21% है, यानी जो पिछड़ी हुई जाति है उनके लिए कितना है, 21% दे रखा है इसमें। और नेक्स्ट दे रखा है इसमें 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए दे रखा है 12%, और जो भी ये पिछड़ा वर्ग है उनके लिए दे रखा है 5%, ठीक है ना। और आर्थिक रूप से कमजोर वालों के लिए दे रखा है 10%, ठीक है ना। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर विभाग पत्र द्वारा क्रमांक, तो इसमें कुछ है नहीं, तो EWS वालों के लिए भी यहाँ पर आरक्षण दे रखा है 10%, ठीक है ना, 10% आरक्षण दे रखा है EWS के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये सारा क्राइटेरिया है इसमें जो है आपका EWS का, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इधर जो भी है पाठ्यक्रम की अवधि, तो यहाँ पर दे रखा है जो आपकी 5 की पॉइंट, उसको पढ़ लेते हैं। पाठ्यक्रम की जो अवधि है, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि INC के नए सिलेबस छठा संस्करण 2012 के अनुरूप, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो INC के अकॉर्डिंग जो रूल चलते हैं वो सभी चलते हैं, फॉलो करना होता है INC का। तो आपकी जो है 18 माह प्लस 6 माह की इंटर्नशिप होती है, यानी 2 साल की तो आपकी ये रहती है, और उसमें क्या है आपका 6 महीने की इंटर्नशिप भी रहती है, तो इसलिए ये आपके 18 महीने हो जाते हैं, ठीक है ना। 18 महीने हो जाते हैं आपके, 2 साल की आपकी ये रहती है और 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप रहती है इसमें। तो ये आपका एक डिप्लोमा कोर्स आपको भी पता होगा। और स्टाइपेंड की अगर बात करें यहाँ पर, तो चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार स्टाइपेंड दे होगा, यानी ये कहने का मतलब ये आपकी जो फंड लिया जाता है आपसे वो आप किस प्रकार से चयनित होते हो, गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए एलिजिबल रहते हो, तो वो आपके लिए उसी प्रकार से फंड लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर चयन प्रक्रिया, तो यहाँ पर चयन प्रक्रिया है, चयन जिला स्तरीय मेरिट के अनुसार जिला मुख्यालय पर काउंसलिंग द्वारा होगा, सत्र प्रारंभ होने की संभावित माह नवंबर 2022। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपका जो चयन प्रक्रिया है वो आपकी नवंबर में, कहने का मतलब ये नवंबर माह में आपकी जो कॉलेजेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस, ठीक है ना, काउंसलिंग के द्वारा, ठीक है ना। काउंसलिंग के द्वारा जो सत्र आरंभ होगा आपका वो होगा नवंबर में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर आवेदन शुल्क, तो आवेदन शुल्क की अगर बात करें यहाँ पर, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम दे 20 रुपये, 20 रुपये, ठीक है ना, दे 20 रुपये अनुसूचित जाति एवं अनुजाति के लिए निःशुल्क। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जो जनरल वाली कैटेगरी है उनको बस 20 रुपये दे होते हैं, और जो भी अनुसूचित जनजाति उनके लिए क्या है यहाँ पर निःशुल्क, यानी फ्री है, ठीक है ना। पोर्टल ऑर्डर आवेदन शुल्क के लिए रूप से संलग्न करना आवश्यक है, तो यहाँ पर ये आपकी हो गई आवेदन शुल्क की बात। नेक्स्ट अगर 9 नंबर की पॉइंट को पढ़ते हैं हम यहाँ पर, तो विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन पत्रता, तो यहाँ पर बात करते हैं विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन पत्रता की। यहाँ पर जो वेबसाइट है www.rashtraswasthya.in, तो यहाँ पर जाकर आप इसको चेक कर सकती हो। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर हम, इजीली समझ में आ रहा होगा आपके, तो नेक्स्ट बात करें 10 की पॉइंट को बात करें यहाँ पर, तो आवेदन पत्र किस पते पर, तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आवेदन पत्र वो किस पते पर है, तो ठीक है ना। इसका यहाँ पर आवेदन पत्र संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो उस जिले के प्रशिक्षण केंद्र के में प्रभावी अधिकारिता में दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को साएं। तो कहने का मतलब ये जो आपको ये भिजवाना है, कहाँ पर भिजवाना है आपको, 20 अक्टूबर, ठीक है ना, 20 अक्टूबर 2022 6 बजे तक आपको ये आवेदन पत्र भर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है ना, रजिस्टर कर सकते हो यानी निदेशालय में भिजवा सकते हो आप, ठीक है ना, 20 अक्टूबर तक। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंटों के लिए। काफ़ी स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे थे, भर भर के कमेंट आ रहे थे, हम खुद कन्फ्यूज थे कि क्या है, क्या नहीं करें, क्या नहीं करें हम आपके लिए। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे फॉर्म किस प्रकार भरना है, और जो भी है इसमें अभी तो और दे रखा है इसमें आपका, इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पर, तो इसको भी एक बार पढ़ के बता देते हैं हम आपको। जो भी है सारी विज्ञप्ति के बारे में दे रखा है, तो निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समाज अधीन संचालित राजकीय महाविद्यालय, ठीक है ना, राजकीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता केंद्रों पर 2022-23 के लिए होने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण वस्त्र 2 वर्ष, जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल है, प्रवेश में योग्य महिलाएं अभ्यर्थी आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाएं। तो कहने का मतलब ये है, इसमें आपको भी पता होगा ANM में महिला ही फॉर्म भरती हैं, ठीक है ना, महिला ही फॉर्म भरती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर 21 सितंबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे और 20 अक्टूबर तक आपके चलेंगे, ये हमने बताई दिया है, और ये आपकी फीस बताई दी हमने, तो ये सारा है जो प्रोसीजर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, तो यहाँ पर योग्यता की अगर बात करें यहाँ पर हम, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से आप पास आउट होने चाहिए, 10+2 यानी 12th पास होने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में आदेशक मान्यता, तो यहाँ पर जो भी है आपकी जो मान्यता प्राप्त हुई चाहिए, आपकी जो भी RBSE CBSE जो बोर्ड है उससे आपकी मान्यता प्राप्त हुई चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया,
नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर प्रशिक्षण अवधि की बात करें तो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि INC के सिलेबस, तो INC के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी जो अवधि होती है वो दो वर्ष की होती है, ठीक है ना, दो वर्ष की होती है, उसमें प्लस 6 माह का इंटर्नशिप होता है तो 18 महीने हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आरक्षण की बात कर ली हमने, सारे जो प्रोसीजर है उसकी बात कर ली गई है हमने इसमें, तो आपको कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी, और जो भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चयन प्रक्रिया, ये सारा प्रोसीजर है, ये आपको पढ़ लेना है इससे, और इसको हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सभी स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंटों को पता नहीं है। और यहाँ पर चयन प्रक्रिया की अगर बात करें तो चयन प्रक्रिया के बारे में दे रखा है यहाँ पर, चयन में राजस्थान के मूल निवासी अभ्यर्थी प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर कहने का मतलब ये जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, बिलोंग राजस्थान से करते हैं, उनके लिए यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, मूल दस्तावेज आपके राजस्थान के होने चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें इधर, तो इधर भी वही दे रखा है कि आपको किस प्रकार से क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी है आपका, और मेरिट सूची आएंगी आपकी इसकी, ठीक है ना, मेरिट लिस्ट पे आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, तो ये आपका है। और नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों हम आपकी इसमें, तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में हमने बात कर ली, और इसके आगे का जो वीडियो आएगा उसमें आपको बताएंगे फॉर्म किस प्रकार फिल करना है आपको स्टेप बाय स्टेप, और जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो कितनी है आपकी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।